आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर साहसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के ललिया थाना अंतर्गत गंगा भागर के चौका कला गांव से आई है, जहां पर कल राप्ती नदी में भैंस चराने गए दो किशोर जो 12 और 16 वर्ष के थे, पैर फिसलने से राप्ती नदी में डूब गए। ग्रामीणों ने कठिन प्रयास के बाद एक किशोर का शव तो बरामद कर लिया, लेकिन दूसरे किशोर का शव अभी तक राप्ती नदी में लापता है, जिसकी तलाश में गांव के लोग जुटे हुए हैं। यह मामला कल दोपहर लगभग 2 बजे के करीब हुआ है, जब चौका कला गांव का पिंकू पुत्र स्वर्गीय राम निवास व अनिकेत पुत्र स्वर्गीय राम मोदत राप्ती नदी के किनारे भैंस चरा रहे थे। अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों गहरे पानी में डूब गए। 12 वर्षीय अनिकेत की लाश तो करीब 3 घंटे के अंदर ग्रामीणों ने राप्ती नदी से ढूंढ निकाली, परंतु पिंकू का कोई सुराग नहीं लगा। इसकी सूचना स्थानीय चौकी मथुरा को दी गई। मौके पर पुलिस के लोग भी पहुंचे, इसके साथ साथ क्षेत्रीय व लेखपाल भी पहुंचे, लेकिन प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू के लिए न किसी नाव की व्यवस्था कराई गई और न ही कोई गोताखोर मंगवाया गया। प्रशासन से मदद न मिलने पर ग्रामीण अब स्वयं गहरी नदी में गोता लगा रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि रबड़ बोर्ड की व्यवस्था कराई जाए, ताकि दूसरे बालक का भी शव ढूंढा जा सके। दोनों ही बालक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक लड़का अनिकेत जिसका शव मिला वह तो बिल्कुल अनाथ था, उसके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, वह गांव में ही किसी के घर पर रहता था, और दूसरा लड़का जो पिंकू है उसके भी पिता नहीं है। दोनों परिवारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। अनिकेत की आज अंतिम संस्कार हो गई है, लेकिन पिंकू का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं और लगातार राप्ती नदी में उसकी तलाश कर रहे हैं। सबसे तेज खबर सावती चैनल पर आप देख पा रहे हैं बलरामपुर जनपद की ये अहम व महत्वपूर्ण खबर, जहां पर ग्रामीण राप्ती नदी की खाक छानने में लगे हुए हैं और लगातार राप्ती नदी में तलाश की जा रही है, परंतु ग्रामीणों को सफलता नहीं मिल पा रही है। ललिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर भैंस चराने गए दो बालक अचानक पैर फिसल जाने के चलते राप्ती नदी में डूब गए हैं, जिसके बाद लगातार ग्रामीण तलाश कर रहे हैं। एक बालक को ग्रामीण पा गए हैं, जबकि दूसरे की तलाश में ग्रामीण लगातार जुटे हुए हैं। इस बारे में जब परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुनवाई नहीं है भैया। कितने साल का लड़का था आपका? 14-15 साल का है हमारे पुतवार रे दादा। कितना देर हो गया, कब डूबा है? कल यहाँ टाइम 24 घंटा होगा हमारे पुतवार का यहाँ। अच्छा, शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी, पुलिस पहुंची, लेकिन कोई रबड़ बोट या कोई गोताखोर यहाँ आया? कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आवा है यहाँ हमारे। हमारे गाँव वाले सब हेरिन ही खोब हेरिन ही। नाम क्या था आपके लड़के का चाची? पिंकू। विद्यालय बंद हुआ उसके बाद हम लोग पता पाए कि डूब गए हैं, तो हम ही ढूंढने आए, तो एक बच्चे को वहाँ पर प्राप्त किया, वहाँ गन्ने में फंसा था। कुछ गांव के द्वारा सहयोग, गांव के कई लोग थे और कोई लोग नहीं था, ना उसके माता है ना पिता है। तो एक लड़के की बॉडी कल मिल गई थी? कल मिल गई थी 5:30-6 बजे के बीच। दूसरे की आप लोग खुद ही तलाश कर रहे हैं? हाँ, खुद ही तलाश हम लोग। अब कौन जब आ नहीं रहा है तो कौन तलाश कर रहा है, हम ही लोग तो कर रहे हैं गाँव। कुछ प्रशासन से आप लोगों की मांग है? अब मांग है कि आए। अब गोताखोर कह रहे हैं कि सुबह आएंगे, सुबह अभी ही सुबह नहीं हुआ जब से आए। 24 घंटे ज्यादा बीत गए। हाँ, 24 घंटे से ज्यादा बीत गया।